हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक पायलट के साथ होने वाले हैरान कुन वाक्या के बारे में बताएंगे। 1935 में एक विक्टर गोडर्ड नामी पायलट, जो कि एक नॉर्मल फ़्लाइट को हैंडल कर रहा था, कि अचानक उसकी फ़्लाइट एक तूफ़ान के अंदर घुस गई। बैलेंस ना बनने की वजह से वो तूफ़ान से निकल ना पाया इतनी जल्दी। कुछ देर बाद जब स्काई क्लियर हुआ तो उसने देखा कि लोग, जहाज़ और एयरपोर्ट तबाह हो रहे हैं, जबकि हकीकत में कुछ और ही था और ऐसा नहीं हो रहा था। जबकि हकीकत में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। कुछ सालों बाद जब वही जहाज़ इजाद हुए और उन्हीं एयरपोर्ट पर चलने लगे जैसा कि उस पायलट ने देखा था, एक्सपर्ट का कहना है कि किसी तरह उस पायलट ने तूफ़ान के थ्रू टाइम में ट्रेवल कर लिया था। यही वजह है कि उसे उसका फ्यूचर दिखाई देने लगा था। है ना हैरत की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thanks.